हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कैपिटल गेन का भी हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इधर अभी हमारा क्वेश्चन है, इधर सॉल्यूशन वाला है, ये थोड़ा बड़ा सम है। मतलब कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी 20 साल पहले दादा की प्रॉपर्टी रहेगी, वो आज बेच रहा है, और फिर बेच रहा है तो प्रॉपर्टी जो खरीदी उसके ऊपर उसने इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट मतलब पहले पत्रे का घर था, फिर उसको पक्का बनाया, फिर एक माला बनाया, फिर टेरेस बनाया, तो उसको इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, रिनोवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं घर को? रिनोवेशन। तो हम लोग कैपिटल गेन कर रहे हैं ना, कैसे मालूम पड़ेगा कैपिटल गेन है? आपको ना कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दिए रहेगा। क्या दे रहेगा? कॉस्ट ऑफ, ये महंगाई का इंडेक्स है। मतलब क्या होता है महंगाई का इंडेक्स, मतलब क्या बोला था, जैसे कि मैं बचपन में वड़ा पाव 3 रुपये का खाया, मेरे बचपन में वड़ा पाव कितने का खाया, पर आज वही वड़ा पाव 3 का नहीं मिल रहा, 20 का मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? तो जो 2001 में 100 रुपये था, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 348। तो ये तुम्हारा करंट वैल्यू है। क्या ये करंट ईयर? आप लोग जो बैच के हैं ना, ये तुम्हारा असेसमेंट ईयर, मतलब हर अमाउंट को एडजस्ट करना है, हर अमाउंट को इन्फ्लेशन के साथ क्या करना है, अपने को एडजस्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन करके घर पढ़ दे गया है। तो मिस्टर क्रिश, तो अपना क्रिश ने क्या किया है, ध्यान दो इधर, प्रोवाइड दी फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑफ एसेट ट्रांसफर दिए ला, प्रीवियस ईयर दिए ला, 2024-25 का असेसमेंट निकालने का है। अपना सवाल होता है यहाँ, अब इधर ध्यान दो, क्रिश अ रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई वॉज परचेज ऑन 12 दिसंबर 1999। तो क्रिश का पापा कौन? रोहित मेहरा है ना। तो उसने घर कभी खरीदा था? कभी खरीदा था? 1999, जब उसकी पहली पिक्चर आई थी। कौन सी पिक्चर आई थी? कहो ना प्यारे, राइट। तो उसके पहले 18 लाख का घर खरीदा था। कितने का खरीदा था? 18 लाख। कब खरीदा था? 1999। और फिर क्रिश ने क्या किया, उसके बेटे ने घर को बेच दिया। देखो सोल्ड बोला ना, 1,80,00,000 का बेचा, जो प्रॉपर्टी 18 लाख की थी। कितनी की थी प्रॉपर्टी? और उसको बेचा कितने का? 1,80,00,000। तो घर बेचते वक्त क्या हुआ, थोड़ा चाय पानी का खर्चा हुआ ना, ट्रांसफर, ब्रोकरेज, 3 लाख खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? 3 लाख। फिर उसने जो बाप का घर था, दादा का घर था, उसने घर के ऊपर इंप्रूवमेंट किया। क्या किया? इंप्रूवमेंट। देखो चार बार किया है, 1999 में किया, 2003 में किया, 9 में किया, 14 में किया, ओके। पर इसमें एक नया इन्फॉर्मेशन दिया, फेयर मार्केट वैल्यू। क्या दिया है? तो पहले बेसिक तुम्हारा कॉलम बना के स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस कंसिडरेशन, मतलब सेल, कितने का घर बेचा। हम लोग आज हिसाब लगा रहे, घर खरीदा था 20 साल पहले, पर आज बेच के कितना है भाई? शाबाश। तो 1,80,00,000 को अंदर लिखा, 1,80,00,000, कितना जीरो आएगा भाई? 1,80,00,000 में 6 जीरो है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो 6 जीरो आ गया, कितना जीरो आ गया? 6 जीरो। 1,80,00,000 का घर बेचा, तो पैसा आया, तो उसको सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उस पर जो भी ब्रोकरेज हुआ, एक्सपेंस हुआ, पहले वो माइनस करो। तो इधर दिया है देखो, ही इनकर ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंस, कितना खर्चा हुआ था? 3 लाख। तो 3 लाख अभी इधर से क्या करेंगे हम, कम करेंगे ना। तो 1,80,00,000 में से कितना कम करेंगे? 3 लाख। तो अपने को बचेगा 1,77,00,000, 1,77,00,000, ओके। ये अमाउंट को बाहर डाल दिया, ये अमाउंट को क्या कर दिया? अब इधर ना, इधर ध्यान दो, जब भी फेयर मार्केट वैल्यू दिया ना, तो ये याद रखो 2001, क्या याद रखेगा? तो 2001 के पहले का इम्प्रूवमेंट नहीं लेना रहेगा, ओके, रूल है। 2001 के पहले का इम्प्रूवमेंट लेना नहीं, उसको छोड़ देंगे। अभी एक काम करने का, तो अभी थोड़ा नया चीज क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने का घर खरीदा था? एक्विजिशन मतलब परचेस, एक्विजिशन बोले तो कितने खरीदा था, और 2001 में उसकी क्या वैल्यू हुई, 2001 में क्या उसकी वैल्यू। तो घर खरीदा था 1999 में, 1,18,00,000 का घर, कितने का था भाई? 18 लाख का घर खरीदा था, और फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी वैल्यू 2001 में हो गई 25 लाख। कितनी हो गई? 25 लाख। तो जब भी फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा ना, तो एक स्टेप पहले तुमको लिखना पड़ेगा। तो क्या खरीदा कितना था भाई? 18, और 2001 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 25। तो दोनों में क्या लेगा? बड़ा वाला लेगा। दोनों में क्या लेगा? दोनों में बड़ा कौन है? हाँ, तो 25 लाख से तेरे को अभी कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना है। अगर मान ले फेयर मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं है, तो तेरा मेन हीरो कौन रहता? 18 लाख। तो तू 18 लाख को एडजस्ट करता। अभी फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों को क्या कर रहे हैं अभी अपन, उधर बैठे पीछे, दोनों को क्या करें? बड़ा वैल्यू लिया। क्या लिया? अभी ये फर्स्ट स्टेप, इधर इधर पढ़ो क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने बोला ना, मेरे बच्चों ने वड़ा पाव 3 का खाया, आज कितने का मिल रहा है? तो जो प्रॉपर्टी 2001 में 25 लाख की थी, कितनी की थी? तो आज 2023-24 में उसकी वैल्यू कितनी है? तो अपने को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये कितनी वैल्यू पड़ो, ये 25 लाख। इसको नहीं लेने का, बड़े को लेना। तो इधर लिखने का 25 लाख, क्या लिखने का? 25 लाख। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो घर खरीदा था उसकी वैल्यू आज निकाल रहे हैं। तो 25 लाख है, तो इंडेक्स क्या है? ये इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको क्वेश्चन में आएगा, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा समय है कैपिटल गेन का है। तो सुनो, तो ये करंट ईयर का है, क्या है? मतलब चल रहा है, जो चल रहा है ईयर उसका, ये पिछले साल का पूरा है ना। तो ये ईयर से मल्टीप्लाई करने का, 348 से क्या करेंगे?
और ये कौन से ईयर का लिया एक्विजिशन, कौन सा था ये 2000 फेयर मार्केट वैल्यू ना, दोनों में बड़ा उठाया ना, कौन से ईयर का भाई? तो 2001 का इंडेक्स कितना देख 100, तो 100 से डिवाइड करेगा, हर एक को मल्टीप्लाई करेगा इससे, हर एक को मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेगा जो ईयर का था, कौन से ईयर का था ये 2001 का था, तो 2001 का इंडेक्स कितना था 100, तो उसको सॉल्व करेगा अपने को वैल्यू आ रहा है भाई, कितना वैल्यू आ रहा है 87 लाख, कितना आ गया 87 लाख। तो 87 लाख को बाहर लिखो अंदर लिखो किधर भी लिखो, पर याद रखो इसको क्या करना है माइनस करना है, क्या करना है ब्रैकेट बोले तो अपन ने क्या निकाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, घर की वैल्यू जो 25 लाख 2001 में थी, 25 लाख कभी थी, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 87। कैसे एडजस्ट की, एडजस्ट क्या इन्फ्लेशन इंडेक्स, इससे क्या करने का मल्टीप्लाई, इससे क्या करने का जो ईयर करेगा उससे डिवाइड। फिर उसने क्या किया घर के ऊपर इंप्रूवमेंट किया, रिनोवेशन किया, क्या क्या तो कितना बार रिनोवेशन किया, तो पहले वालों को वटा तो नहीं लेने का क्योंकि ये 2001 के पहले का है, 2001 के तो फिर 2003 को लेगा, 9 को लेगा, 14 को लेगा, तो 2000 इसको नील लिख देगा, जो 2001 के पहले का उसको लेगा नहीं। तो अभी किसका अपने इंप्रूवमेंट लेने का, 3 का 9 का 12 का, तो 3 में कितना रुपया खर्चा किया था 3,27,000 ये ना सॉरी एक नंबर, ठीक है बराबर लिखा रहे चार ही ना, इधर ना इधर 14-15, ठीक है चल एक नंबर, अच्छा इधर वापस आ जाए तो कितना 2003 में कितना है 3,27,000 खर्चा किया, और 2009 में कितना खर्चा किया 3,70,000, और 2014 में कितना खर्चा किया 8,40,000। तो ये पास्ट में इसने खर्चा किया है, कभी किया है हिसाब तो आज का चल रहा था, इसको भी इन्फ्लेशन के साथ क्या करना पड़ेगा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले 2003 को एडजस्ट करते कितना अमाउंट खर्चा किया था 3,27,000, तो मल्टीप्लाई किससे करने का ये इंडेक्स, तो कितना है करंट 348, और कौन सा ईयर है 2003 का, कितना इंडेक्स है 109, तो इसको डिवाइड करेंगे तो तुमको आंसर आएगा 10,44,000। तो ये इंप्रूवमेंट का खर्चा जो 3,27,000 2003 में किया था आज उसका हिसाब कितना है 10,44,000। अभी 2009 में कितना खर्चा किया था 3,70,000, कितना खर्चा किया था 3,70,000, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 348, हर एक को मल्टीप्लाई 348 से करना है, कौन सा ईयर है तो 9 में कितना इंडेक्स था 148, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा भाई 8,70,000 है ना, शाबाश 8,70,000 और एक जीरो आएगा आ रहा है। और लास्ट उसने खर्चा कभी किया 2014 में, कितना रुपया खर्चा किया 8,40,000, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 348 से, और डिवाइड किससे करेंगे 2014 में ना, तो 2014 में इंडेक्स कितना था भाई 240, तो 240 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 8,40,000 जो 2014 में था आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई 12,18,000। तो ये तीनों का टोटल भाड़ डाल देता हूँ, तीनों का टोटल क्या कर देता हूँ भाड़ डाल देता हूँ, तो ये तीनों का टोटल है 31,20,000, कितना है 31,20,000, ठीक है रुक ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्या आया ये भी क्या आएगा माइनस होएगा। अब ध्यान दो घर बेचा कितने का 1,80,00,000, ट्रांसफर का खर्चा निकाल के अपने पास जेब में है 1,77,00,000। फिर उसने क्या किया दो घर था ना, कितना घर था सॉरी घर की वैल्यू 18 लाख थी, पर 2001 में कितनी लगती 25, तो दोनों में कौन सा कंपेयर करके बड़ा, तो बड़े को एडजस्ट करके ये वैल्यू आया, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या बोलेंगे मतलब खरीदा हुआ भाव की वैल्यू, फिर इंप्रूवमेंट की वैल्यू, किसकी वैल्यू 3 बार खर्चा 4 बार खर्चा किया, एक को इग्नोर किया, तो तीनों को एडजस्ट करके आया। अभी 177 लाख से दोनों क्या करेंगे माइनस करेंगे, दोनों क्या करेंगे तो अपने को आ रहा है 58,68,000, कितना आया 58 लाख, ये हो गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या हो गया तो कल भी इतना ही गया था बस एक था, आज कितना आ गया 3 आ गया। फिर उसने क्या किया इतना पैसा आया ना तो उसने पैसा इन्वेस्ट किया, क्या क्या पैसा, तो उसने बदलापुर में फ्लैट खरीदा है, इधर दिया देखो बदलापुर ही लिखा आज मैंने, क्या लिखा बदलापुर, तो लो जब फ्लैट सस्ता मिलता ना तो उसने क्या किया इन्वेस्टमेंट किया, क्या क्या देखो नहीं बोला ही परचेस अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन बदलापुर फॉर 40 लाख, कितने का खरीदा मतलब ये ईयर में खरीदा, कभी खरीदा जो बाप दादा की प्रॉपर्टी बेच के आज पैसा आया, पैसा ले दे के उसने नया घर खरीदा, और बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किया, किधर इन्वेस्ट किया REC बॉन्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेट बॉन्ड, कभी इन्वेस्ट किया यही साल में इन्वेस्ट किया, कभी इन्वेस्ट किया इसका डेट देखने का 6 महीने से लेट नहीं होना चाहिए, अगर 6 महीने से लेट होगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो जब घर बेचा जब नया नया पैसा आया तो उसने दो इन्वेस्टमेंट किया, एक घर खरीदा एक बॉन्ड खरीदा, घर और बॉन्ड, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा मतलब माफ है वो उस पर टैक्स देना नहीं। तो एग्जम्पशन कौन सा सेक्शन याद करो 54, तो एक क्या है परचेस ऑफ बोलो रेसिडेंशियल हाउस, कौन सा हाउस
कितने का घर खरीदा था उसने? 40 लाख का। कितने का घर खरीदा था? 40 लाख। और एक उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, कौन सा? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेट बॉन्ड। तो कितना बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था? 10 लाख। ये क्या होगा पूरा दोस्त? एग्जम्पशन, मतलब इस पर टैक्स देना। तो ये 50, इसको ऐड करेगा तो कितना होगा? 50 लाख। कितना होगा? 50 लाख। तो इसको इससे क्या करेंगे, अभी माइनस करेंगे, तो जो बचा ना कितना बचा? 8,68,000। 8 लाख, तो उसको 8 लाख पे किधर आ रहा है? 88 इधर। चलो ठीक है, मान लो ये कैलकुलेशन सपोज 68 आ गया, सपोज इसको सॉल्व करके कितना आ गया टोटल? 68 है ना। चलो डांदा टोटल में नहीं, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर टोटल तुम लोग करेक्ट कर लेना। इसको सॉल्व करके कितना है? 58,68,000। इतना पैसा उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। उसने दो इन्वेस्टमेंट किया, एक घर खरीदा और बॉन्ड में डाला, तो दोनों का टोटल 50 लाख है। वो क्या है? तुम्हारा एग्जम्पशन है, मतलब उसको काटना पड़ेगा, फिर इस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लो ये बंदा इन्वेस्ट करता ही नहीं, ये बंदा इस पर इन्वेस्ट करता तो कितना पैसा बचता? 58 बचता। उसको 58 पे 30% टैक्स देना पड़ता। कितना परसेंट? 16 लाख टैक्स देना पड़ता। कितना? तो बोला इतना टैक्स देने से अच्छा एक काम करता हूँ, घर खरीद लेता हूँ। तो उसने दो घर खरीदा और इन्वेस्ट किया, तो अभी कितना पे टैक्स देने का? 15-20% टैक्स देने का। इस तरह पब्लिक क्या करती है, जो घर बेच के पैसा है ना तो उसको रखती नहीं है, तुरंत इन्वेस्ट करती है। क्या करती है? ताकि थोड़ा एग्जम्पशन मिलेगा तो टैक्स मिले। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी रहती तो टैक्स वो एग्जम्पशन में नहीं आएगा। एग्जम्पशन में कौन सी प्रॉपर्टी आती है? तो एक सम तुम्हारा सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन गलत रहेगा, थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है? तो घर बेचा, पैसा एक्सपेंस हटा के ये पैसा है। इसमें क्या था? घर खरीदा था 1999 में। नया चीज़ क्या दिया? क्या दिया पढ़ो? जब भी फेयर मार्केट वाली हुआ ना, दोनों में कंपेयर करने का, दोनों में कौन सा उठाने का? बड़ा। उसको फिर एडजस्ट करके आया। घर पे 4 बार इंप्रूवमेंट था, 2001 के पहले वाले को वटा देने का है, 3 इंप्रूवमेंट को एडजस्ट करके आया और एग्जम्पशन दिया है, रेजिडेंशियल हाउस और बॉन्ड। इस तरह इस पर उसको टैक्स देने का। जो CA के स्टूडेंट है ना, उसको इस पर कैलकुलेशन पड़ता है, MCOM वाले को कैलकुलेशन इधर देना पड़ता है। तुम लोग का सिर्फ अमाउंट लेके छोड़ देने का, अमाउंट लेके इसके बाद 4 लाइन का और आंसर आता है, तुमको नहीं करना है, ठीक है?